श्री अन्नपूर्णा महादेवी हृदय स्रोत महामंत्र श्री महाकाल भैरव ऋषि पुष्पित छंद महाशोभा स्वरूपिणी महाकाल सिद्धि श्री अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा महादेवी हृदय स्त्रोत्र महामंत्रस्य श्री महाकाल भैरव ऋषि उष्णिक छंद महाशोभा स्वरूपिणी महाकाल सिद्धा श्री अन्नपूर्णा अमृतदेवता जी, भक्त लोग आ गए। जाओ ऊपर और मेरी बेटी को बुला लाओ। पड़ते हैं, मैं बहुत परेशान हूं। कौन है तेरा गुनेगार? बोल मां। करो अपनी पूजा। ओम ह्रीं फट फट स्वाहा काली काली महाकाली मां शोणिते भोजने रक्त कृष्ण मुखे देवी मां मां पश्यन्तु मानुषा इति हूं फट स्वाहा। ओम ह्रीं फट फट स्वाहा काली काली महाकाली मां शोणित भोजने रक्त कृष्ण मुखे देवी मां मां पश्यन्तु मानुषः इति हूं फट स्वाहा। देवी मां मां पश्यन्तु मानुषः इति हूं फट स्वाहा। ओम ह्रीं फट फट स्वाहा काली काली महाकाली मां शोणिते भोजने रक्त कृष्ण मुखे देवी मां मां पश्यन्तु मानुषा इति हूं फट स्वाहा। ओम ह्रीं फट फट स्वाहा काली काली महाकाली मां शोणिते भोजने रक्त कृष्ण मुखी देवी मां मां पश्यन्तु मानुषा इति हूं फट महाकाली मां पश्यन्तु मानुषा इति हूं फट स्वाहा। ओम ह्रीं फट फट स्वाहा काली काली महाकाली मां शोणिते भोजने रक्त कृष्ण मुखी देवी मां मां पश्यन्तु मानुषा इति हूं फट स्वाहा। नहीं, मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे माफ कर, तुम्हारे कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। उस बच्ची को जो दौरे पड़ते हैं वो तुझे अच्छी तरह से पता है,
बोल क्या किया तूने उसके साथ? मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। अपने घर की बच्ची की इज्जत बचाने के बजाय तुमने उसी की इज्जत लूटी? इज्जत मैंने नहीं लूटी, मैंने नहीं लूटी, मैंने मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैंने नहीं लूटी, मुझे मत मारो, मैं मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। वो अमावस की रात का किस्सा बता दूं सब लोगों को? अमावस की रात मैं नशे में था, मैं गलती से मैं दारू पिया था, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे किसी ने किया, मुझे कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, बोल इसको, माफ कर दो, बोल इसको, तूने क्या किया है, बोल। मैं ही गुनहगार हूँ, मैंने इसकी इज्जत लूट ली है, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो। जाओ इसको लेकर जाओ यहाँ से। नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो, मुझे बता, जा 16 सोमवार का व्रत कर, इसकी शादी हो जाएगी। अरे बचाओ, अरे कोई बचाओ, ये मुझे मार डालेगी, अरे कोई मुझे बचाओ, अरे बचाओ, मुझे कोई बचाओ, प्लीज बचाओ, अरे मार देगी ये मुझे, मार देगी, बचाओ बचाओ, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मैंने तुम्हें कितने बार बोला दरवाजा बंद करके सोया करो। तीन दिन से तो ठीक थी, आज फिर अचानक दौरा पड़ गया। अरे ये तो मुझे मारने वाले थी, आपको पता है कि? अरे बेटा, डॉक्टर वैद्य हकीम सभी को दिखाया मगर इसका इलाज ही नहीं होता। ये रोग किसी डॉक्टरों के बस का नहीं है, इस बच्चे के अंदर किसी आत्मा ने प्रवेश किया है, इसे हमारे मठ पर लेकर आओ, इस आत्मा से हम वहीं पर प्रश्न करेंगे। आत्मा? कोई भूत का चक्कर है क्या? हाँ, ये आत्मा कौन सी है ये मठ में रहकर ही पता चल सकता है। सोच क्या रही हो, हमारे बेटी को तो माँ काली का वरदान है, अभी अभी इस बच्ची का इलाज किया है इसने मिर्गी का। सोचना क्या है, हम माँ बेटी कल आपके दरबार में हाजिर हो जाएंगी। चलो माँ। माँ बैठ जा, बैठ जा, अभी बुलाएगी तेरे को बेटी। हाँ बेटी, आ जा बैठ जा बेटी। मुझे मालूम है तेरे घर में सब बीमार हैं, माँ ओम ह्रीम ह्रीम क्लीम ये ले, इससे सब ठीक हो जाएगा, जा। जो आ गया जा, जा, जा तू।
जो 7 साल से तेरे पीछे पड़ी हुई है। इधर आ, इधर आ। कौन है तू? क्या नाम है तेरा? ए चंडालनी, इधर आ, ले जा इसे, ये ऐसे काबू में नहीं आने वाली। हे चल, चल। उधर ही रख इसे बांध के, मैं आ रही हूँ। बोल कौन है तू? कहां से आई है? क्यों परेशान कर रही है सबको? बोल कौन है तू? बोल, बोल कौन है तू? बोल, कौन है तू? बोल, 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 बोलती क्यों नहीं? मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। बोल, बोल। अरे बेटी, जाने दे इसे, ये तो अमावस की रात ही बोलेगी। इसे यहाँ से लेके जाओ। माँ, अमावस की रात तक इसे यहीं रहने दो। मैं अपनी बेटी को लेने कब आऊँ माँ? या अभी, अमावस के बाद आना। जो आ गया। काली काली महाकाली, मांसोणित भोजने रक्त कृष्ण मुखे देवी, स्वाहा। अबे ओ बनमानस की औलाद, ये बाजार तुम्हारे और मेरे इलाके के बीच में पड़ता है। आज तक हफ्ता तुम लेते रहे, आज से मैं लूंगा। जिंदा रहे तब ना, तो आज फैसला हो ही जाए। Yeah.
और आज के बाद इस इलाके में नजर आए तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा, समझे? हाय, क्या मर्द है! अपन भी ऐसे ही मर्द की तलाश में है। ओम अस्य श्री अन्नपूर्णा महादेवी हृदय स्तोत्र महामंत्रस्य श्री महाकाल भैरव ऋषि उष्णिक छंदः महाशोढ़ा स्वरूपणी महाकाल सिद्धा श्री अन्नपूर्णा अम्ब देवता ह्रीम विजम हूम शक्तिः क्रीम क्लीक श्री अन्नपूर्णा। बेटी आज अमावस की रात है, तू कहां से आई है? सब कुछ बता तू मुझे आज। मैं बताती हूं। क्या मस्त दारू है साली? आज तेरी सारी दारू उतार दूंगी। लड़की की आवाज? अपू ने ना कभी नौटंकी में काम किया, ना साले कभी फिल्म में डायलॉग मारा, पर ये लड़की की आवाज क्या बात है साली। शंकर, आज साली ऐसी लड़की फंसा ले, ऐसी लड़की फंसा ले। आ गया कोई नहीं, भेजा फिर गया अपना। अरे लड़की की आवाज, यहाँ पर कोई लड़की है क्या? अरे तकिया भी आज साला नर्म है, लगता है आज दिन अच्छा है। साला तकिया भी आज नर्म है, बहुत नर्म है साला। तकिया साला नर्म क्यों ले? पहले तकिया नरम, उसके बाद लड़की के पांव, फिर गायब। मुरारी! अरे मुरारी को क्यों बुलाते हो? मैं हूं ना चमेली चाकू वाली तू। अरे चाकू छुरी क्या बोलता है, चला दे चक्कू और फाड़ दे कलेजा। अरे हट, शंकर शिकारी है और अपना शिकार खुद करता है, समझी?
हाथ में आई हुई मछली रही मारता। तो फिर एक काम कर, आज मैं शिकारी बन जाती हूँ और तू शिकार बन जा। चुप कर जा वरना उल्टी पकड़ दूंगा तेरी। खास शहर में कोई लड़की पैदा नहीं हुई जो शंकर का शिकार कर सके, समझी ना? हाँ हाँ, मैं सब अच्छी तरह से जानती हूँ, बड़ा दादा बना फिरता है। अच्छा शंकर, एक काम कर दे, एक रात मेरे नाम कर दे। ये क्या कर रहा है? देख मैं जा रही हूँ, देख मैं जा रही हूँ, तू पछताएगा। शंकर तू जो कर रहा है ठीक नहीं कर रहा है। शंकर, 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 कॉल। बच्चों आज बहक गया था इसलिए माफ कर देती हूँ। मैं भी देखती हूँ आज से यहाँ दूसरी कौन आती है। शंकर, शंकर द ग्रेट मैन। काली पीली गेट पेट मत करो। कीमत तुम्हारी काम है। काम क्या है? जोगेश्वरी नागपाड़ा के पास वो जो प्लाट है ना, खाली करवाना बस। पर वहाँ तो आजकल रघु बैठा हुआ है। अरे शंकर भाई, इसलिए तो हम लोग आपके पास आए हैं। शंकर भाई, आज बैंक मैनेजर को होटल रंग महल में बुलाया है, पैसे की परवाह मत करो और मिल जाएंगे। ये लो शंकर भाई। काम होते ही पार्टी दी जाएगी। तो पार्टी दी जा रही है, इसका इंतजाम है? एकदम फर्स्ट क्लास, टाइम पे पहुंच जाना। तो चलो, तुम रंग महल में रंग रलिया मनाओ, मैं पहुंचता हूं। जैसे रात का ये रंग निखर।
शंकर ज्यादा आवाज नहीं। शंकर मैंने तुमसे कहा था ना, ए ज्यादा आवाज नहीं, अपना छुरा खुल चुका है।
वो छुरा दिखा के तो ले गए हो। पेपर पर मारा पेन कैसे चलोगे? घबराइए मत मैनेजर साहब, हमारे खजाने में एक से एक नगीने हैं। किटी नहीं तो सूजी से ही। कैसी किटी कैसी सूजी? पीटर, सूजी को भेज दो। ऑल राइट ऑल राइट। आओ। ए, तू मेरे बिस्तर पर क्या कर रही है? तेरा बिस्तर? हट, ये बिस्तर भी मेरा है, ये घर भी मेरा है। ठहर। क्या कहावत है ना कि आग लेने आई थी और मालकिन बन बैठी। चल अपन किटी के साथ बिस्तर पर। सबसे पहले मैं किटी की सीटी बजा दूंगी। चल चल यहां से, चल। अरे बस 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 उस्ताद, उस्ताद आप ये बोतल संभालो, इन दोनों को मैं संभालता हूँ। आओ ना इधर आओ। बस उस्ताद, नहीं नहीं उस्ताद उस्ताद नहीं, मैं संभालता हूँ। चाली अपने आप को समझते हैं। चमेली 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 तुम्हारे साथ है ना, जो उस्ताद लेके आए थे। ओहो वो, उसे तो मैंने मार मार कर बाहर निकाल दिया है। साली, शायद वो नहीं समझती कि शेर शेरनी के साथ ही अच्छा लगता है, गधी के साथ नहीं। अरे रे 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 रे, ये क्या कर दिया आपने, इस गधे को विधवा कर दिया। अरे रे रे रे, तुझे और विधवा? और नहीं तो क्या, तुम उस साथ के पास चली जाती, वो गधी इस गधे के काम आ जाती, मेरी एक रात रंगीन हो जाती ना। ओहो, तो तुझ पर भी जवानी छा गई। हाँ कैसी बातें करती हो। अच्छा तो मैं चली अंदर। नहीं नहीं, क्या कर रही हो? उस्ताद को पता लग गया कि तुम किटी नहीं चमेली हो तो जान मुसीबत में आ जाएगी। अरे जा जा, तेरे उस्ताद को क्या पता चलेगा, वो तो नशे में इतने धुत है कि उसे पता भी नहीं चलेगा कि किटी कौन और चमेली कौन। फिर से बता। ए, 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 तू कौन है? किटी है? हाँ मेरे राजा, मैं किटी हूँ। किटी है? फिर ये राजा क्या है? मैं स्पीकिंग इंग्लिश इंग्लिश। ओह अंग्रेजी ना? हाँ। यू हीरो? मी हीरोइन? हीरोइन। लव करिंग? करिंग। छुरी कटिंग? करिंग। किटी को मारो मिट्टी, मिट्टी डार्लिंग। मेरे राजा, मैंने तुम्हें जैसा समझाया है वैसा ही करना। हाँ। पासा सीधा पढ़ना चाहिए। अरे शंकर, मेरी पत्नी है। नमस्ते भाभी। नमस्ते। हेलो। कौन है ये? बहुत शर्माता है। शंकर दादा है। What a he man. Hey, उस दो कोड़े के बदमाश पे ध्यान मत दो। 2 करोड़ के ऑर्डर पर नजर रखो। मनी राम को अपने मुट्ठी में करना है, समझे? घबराती क्यों हो डार्लिंग? मनी राम की मनी मेरी मुट्ठी में होगी, बस जाम से जाम टकराने की देर है। Cheers! तारो पति तो तारी घनी प्रशंसा करे छे। हर पति अपनी पत्नी की तारीफ करता है, आप करे तो जानू। शू वात छे, शू वदा छे। बात तो सिर्फ बात है मनी राम जी। मनी राम जी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं खाने का ऑर्डर दे के आऊं।
करोड़ का ऑर्डर पक्का पक्का। काटो, इसे कहते हैं देसी मुर्गी और विलायती अंडा। ये साला भगवान दास मीट और अंडे से तो परहेज रखता है, लेकिन अपने जन्मदिन पर मावे का केक जरूर कटवाता है। अब क्या करें बीपी साहब, क्या करें, जन्मदिन पर ये केक काटने का फैशन जो चल पड़ा है ना, फैशन जो चल पड़ा है ना, वो भी देसी धोती पहनकर। आ गई सरिता, खिलाओ मेवे का केक। ले बीपी साहब, आप बड़े आदमी हैं, जब चाहते हैं उद्घाटन कर देते हैं। हमारा जन्मदिन तो साल बाद आता है, और तब जाकर कहीं किसी का मुंह मीठा करने का मौका मिलता है। अरे हाँ, वो तो याद आया, अपनी फैक्ट्री का करवाने वाले अभी तक आए नहीं। अरे साली, ये फैक्ट्री का करवाने के बाद जिंदगी भर चलाई जा सकती है। आओ सूरज, आओ, हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, इनसे मिलिए। आप हैं मिस्टर वीपी सिन्हा। नमस्ते। बिजनेस की दुनिया में इन्हें पारस कहा जाता है, जिसे एक बार छू लेते हैं वो सोना बन जाता है। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। सोना बनना चाहते हो, जानते हो आजकल सोने का भाव क्या है? वीपी साहब, ये हमारा दोस्त है सूरज, और ये आशा इनकी होने वाली धर्मपत्नी। हमने आपसे इनकी फैक्ट्री का उद्घाटन करने का जिक्र किया था ना। नहीं, वैसे मैं आशा देवी को देखकर ही समझ गया था, लेकिन अच्छा हुआ आपने सही जानकारी दे दी। मिस्टर सूरज, आइए एकांत में बैठकर बातें करते हैं, आइए। दीदी साहब जी, जहां तक माल की क्वालिटी का सवाल है, वो तो आपको टॉप क्लास मिलेगी। हाँ, वो तो देखकर ही लग रहा है। सुना है आप जिसके माल का उद्घाटन कर देते हैं वो बिजनेस में टॉप पर चला जाता है। हाँ, तो आप मुझसे करवाना चाहती हैं? हम तो क्या, कौन सा नया बिजनेसमैन है जो आपसे उद्घाटन नहीं करवाना चाहे। बड़ी उतावली है आप करवाने के लिए। क्यों नहीं, जितनी जल्दी उद्घाटन हो जाए उतना ही अच्छा है। अब देखिए ना, आज से भगवान दास जी के जन्मदिन पर प्रकाश 3 करोड़ का बिजनेस कर रहा है, हम भी वो शुभ दिन देखना चाहते हैं। भगवान दास तो केवल भगवान का दास है, लेकिन हम तो साक्षात भगवान हैं, जिसके सर पर हाथ रख दे उसकी भाग्य रेखाएं बदल देते हैं। हम सालाना 5 करोड़ का बिजनेस आपके साथ करेंगे। 5 करोड़ का? हाँ, 5 करोड़। एक बार करवाना है तो कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का होगा। अगर हमारी शर्त मंजूर कर ली तो हर साल हो सकता है। बताइए ना, आपकी आपकी क्या शर्त है? कल हमारे यहाँ आ जाना, हम अच्छी तरह से समझा देंगे। वीपी साहब का घर तो बहुत बड़ा है। अरे इससे बड़ा तो उनका दिल है, दिल, देवता है देवता। और आशा, जब देवता प्रसन्न हो जाए तो क्या होता है? मन की हर ख्वाहिश पूरी हो जाती है। अगर मन की मुराद पूरी करनी हो तो हमें खुश करना बहुत जरूरी है। अगर आशा मन में हो तो मुराद पूरी होते देर नहीं लगती। क्यों आशा जी? नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। सूरज, तुम ये एग्रीमेंट टाइप करवा के ले आओ, तब तक मैं आशा जी को पूरा परिचय देता हूँ। जी अच्छा। सूरज, हाँ? मैं यहाँ अकेले। अरे तुम अकेली कहाँ, अपने सीना साहब जो है तुम्हारे साथ। आप खड़ी क्यों है, बैठिए। Hmm.
साहब ये क्या बदतमीजी है? करने की तैयारी कर रहा हूँ। तुम लड़की थोड़े हो, 5 करोड़ के एग्रीमेंट के पेपर हो। जब तक हमारे तुम पर नहीं होते, सूरज करोड़पति नहीं बन सकता। नहीं बनना हमें करोड़पति। बेवकूफ मत बनो, हम तो अकेले ही तुम्हें करोड़पति की पत्नी बना रहे हैं। छोड़ो मुझे। आशा देवी, इस दिल के सिवाय इस घर के सारे दरवाजे बंद हैं। और फिर तुमने तो हमारे होने से पहले ही हमारे चेहरे पर तुम्हारा नाम लिख दिया है। अब पहले तुम इन निशानों को सहलाओगी और बाद में चूमोगी। पीरा नाका राका, पकड़ लो इस लड़की को। रात रंगीन गुजरेगी। कहाँ गई? वो रही। हाँ। ये। मुझे। बचाओ। साला अपने शिकार पे ये कौन सा शिकारी लगा? तेरी तो। छोड़ दो मुझे। भाग ले भाई, चलो। साली किधर गई? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया? कहाँ जाना है? नहीं, मुझे किसी तरह रात काटनी है। तो अपन की गोली पे चल, रात आराम से कट जाएगी। चलना। नहीं। क्यों, कोई लफड़ा है? नहीं। तो फिर मुझे एक रात हिफाजत से काटनी है। अपन के सिवा और तुझे कौन हाथ लगा सकता है? क्या आप मुझे विश्वास दिला सकते हैं मेरी इज्जत को खतरा नहीं होगा? देख लड़की, विश्वास करने की चीज होती है, कराने की नहीं। एक रात की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, इससे ज्यादा नहीं। हाँ चल। देखो भाई, ध्यान से सुन लो। आज रात इस बस्ती में कोई नया आदमी आए या ये लड़की यहां से भागने की कोशिश करे तो इतने टुकड़े कर देना कि गिनने में ना आए। अच्छा उस्ताद। अच्छा, समझ गए ना? चलिए। ओके। आज फिर तो इस नई को लेकर आया। इससे मत चल। अपने हाथों से गला घोट दो मेरा। चमेली, चमेली। रोज रात को, नहीं नहीं, सात को लेके आता है मेरी। चमेली। देखो शंकर, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। मैं इस चुड़ैल को तो आज ही खत्म कर दूंगी। बहुत सर पे चढ़ रही है। साली। चले,
चला जा, ये रहा तेरा बिस्तर, लेट जा। लेट जा। उस्ताद खाना। खाना खा ले, मैं जरा टिका के आता हूं। हाँ तुझे कौन हाथ लगा सकता है? क्या आप मुझे विश्वास दिला सकते हैं मेरी इज्जत को खतरा नहीं होगा? देख लड़की, विश्वास करने की चीज होती है, कराने की नहीं। एक रात की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, इससे ज्यादा नहीं। हाँ चल। खसमान खानी, अरे तेरी है मजाल कि तूने मेरा हंडा सुट देता। अरे ओ सुरिंदर कौर, तेरा लुच्चापन जो है ना इस शंकरबाड़ी में नहीं चलेगा। लुच्ची होएगी तू, तेरा खानदान। देखो जी, तुम लोगों को लड़ना है ना तो तुम लोग उधर जाके लड़ो, मुझे पानी भरने दो। अरे बेटा, तू भाग रहा है।
नानक सिंह, उन औरतों को रोको। ओए पिटवाई करानी अपनी। अरे फ्री बन गया तमाशा, आराम से देखो चुम्बन मिया। माइकल भाई, सुनिया शंकर भाई रात नू रोज नवी औरत ले आंदा है। वो औरत कब आती थी, कब जाती थी, आज तक किसी ने नहीं देखा। यह तो मैंने भी सुन रखा था, मगर आज तो मुझे भी आश्चर्य हो रहा है। आखिर ये लड़की है कौन? तुम क्या हो, क्या करती हो, कहाँ रहती हो, मैं नहीं जानता। तुमने मुझसे एक रात की हिफाजत के लिए कहा था, मैंने वो वादा पूरा कर दिया। मगर एक बात याद रहे, अब तुम्हारी और मेरी ये पहली और आखिरी मुलाकात होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ ठीक है, ये रख लो, तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे। आप मुझे घर तक छोड़ने नहीं आएंगे? नहीं, मैं नहीं आऊंगा। अब देखो, बात यह है कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे दिमाग पे कोई बोझ रहे कि एक बदमाश ने तुम्हारे घर का पता जान लिया। जाओ। शुक्रिया। My boyfriend is coming to take me. अरे कौन है? हाँ देख रही हूँ। देख तो कुछ कम। क्या बात है, तुम लोग हंस क्यों रहे हो? क्या बात है? क्या बात है बताओ ना। जो बात तुझ में है वो किसी और में कहा। आशा मैडम, आपको वार्डन साहब ने बुलाया है। चल चल। ये उड़ी उड़ी रंगत, ये खुले खुले गेसू, तेरी सूरत कह रही है तेरी रात का फसाना। May I come in, madam? Yes, first and last time. पर क्यों मैडम? क्योंकि तुम्हें कॉलेज से हमेशा के लिए निकाल दिया गया है। अपना सामान उठाओ और दफा हो जाओ यहाँ से। मगर मेरा कसूर क्या है मैडम? शर्म से डूब मर, अपना कसूर पूछती है? होने वाले पति के साथ घूमने गई थी और किसी बदमाश के साथ भाग निकली। ऐसी लड़कियों को कॉलेज गर्ल नहीं कॉल गर्ल कहते हैं। कॉल गर्ल। चुप करो मैडम। किस किस को चुप कराओगी? कॉलेज के हर लड़की की जबान पर तुम्हारी कहानी है। सूरज ने आके सब बता दिया है। अब जाओ यहाँ से। मैडम मेरी बात तो सुनिए। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। तुम यहाँ से चली जाओ। तुम जैसी आवारा लड़की के साथ रहकर दूसरी लड़कियों पर भी बुरा असर पड़ेगा। नाउ गेट आउट। आई सेड गेट आउट। कॉलेज वालों ने निकाल दिया ना तुम्हें? खैर कोई बात नहीं, मेरे दिल के और घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए खुले हैं। जिस आदमी का दिल औरत का दलाल हो उसका घर कोठे से कम क्या होगा। मैं तुम्हारी बात का बुरा नहीं मानता, क्योंकि पति पत्नी में इस तरह के झगड़े होते रहते हैं। पति पत्नी में होते हैं, अनजान लड़के लड़की में नहीं। आशा ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ। ये मैं कैसे भूल सकती हूँ कि तूने ये दो कौड़ी की अंगूठी पहनाने से पहले मेरे 4 लाख रुपए हड़प लिए थे। होश में हो आशा, ये सब मैंने अपने लिए नहीं बल्कि अपने होने वाले बच्चों के लिए किया था। अगर तुम वीपी सिन्हा को खुश कर देती तो हमारे होने वाले बच्चे करोड़ों में खेलते और तुम सारे शहर के आदमियों की शक्लों को देखकर पहचानने की कोशिश करते कि असली बाप कौन है। मुझे माफ कर दो, आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। चलो घर चलो। बेहया, तूने मुझ पर हाथ उठाया, अब मैं तुझे घर ले जाकर अपना हाथ दिखाऊंगा। चल।
शंकर, शंकर मुझे बचा लो शंकर, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ, मुझे बचा लो शंकर, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई। मुझे सारी बस्ती के सामने बदनाम करके अब क्या लेने आई है, बोल। वो मुझे बेचना चाहता है। वो कौन? सूरज। मगर वो लाखों के बाद करोड़ों के सपने देखने लगा। कल रात को उसने मुझे बहुत बड़े व्यापारी के हाथों बेच दिया। मैं वहां से बहुत मुश्किल से भाग कर आई, मगर उसके बाद क्या हुआ? सूरज ने मुझे कॉलेज से निकलवा दिया। वो मुझे वापस उस व्यापारी के पास लेकर जाना चाहता था। मैं वहां से भाग आई। वो मेरा पीछा करते करते यहां तक आ गया। अभी भी बाहर खड़ा है। रो मत, देखता हूं साले को। बीवी से धंधा करवाने वालों हराम साधो कमीनो, आज के बाद आशा को देखा तो हड्डी पसली एक कर दूंगा। शंकर सुनो, मैं तुम्हारी तरह औरतों का दलाल नहीं। पैसे से मुझे खरीदना चाहते हो, इसे अपने पास रखो। और आइंदा शंकर को लालच देने की कोशिश मत करना। साली हमेशा के लिए यहां बैठना चाहती है। तेरी जैसी यहां कई आई और चली गई। चल भाग यहां से, मैं कहती हूँ चल भाग यहाँ से, चल। नहीं, मुझे शंकर ने पना दी है। जब तक वो नहीं कहता कि तुम यहाँ से निकल जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। क्या नहीं जाएगी? नहीं, देख मैं आखिरी बार पूछती हूँ, नहीं जाएगी? नहीं जाऊंगी। तेरी तो मैं छोड़ दे, यू इडियट। अंग्रेज की औलाद गाली देती है, कैसे नहीं जाएगी? मैं देखती हूँ, मैं तुझे निकाल के आऊंगी। समझ नहीं आया अपने आप को? ये सब क्या है? क्यों परेशान करती है इसे? क्यों ना कहूँ, अपनी छाती पर मूंग दल दे दो इसे। ये अंग्रेजन इस घर में बसना चाहती है। ए, चमेली बकवास बंद कर। ये दुनिया भर की सताई हुई लड़की है, बजाय इसे सहारा देने के तो इससे लड़ती है। इससे तो अच्छा है तो चुल्लू भर पानी में डूब मर। अरे लड़की होकर तू लड़की जात पर जुल्म करती है। अब उनको क्या मालूम कि ये मुसीबत में है, और तुमने भी तो कुछ नहीं बताया मुझे। जब से ये यहाँ आई है तू भी तो कभी मुझसे हंस के बात नहीं करता। देखो अब मैं इसे कभी नहीं सताऊंगी, हाथ नहीं लगाऊंगी, कभी तंग नहीं करूंगी इसे, अब कभी भी नहीं लड़ूंगी इससे। देख तू मुझसे बात नहीं करेगा ना, तो देख मैं कह देती हूँ, मेरा कलेजा फट जाएगा। अरे अरे चमेली चमेली सुनिए, मुझे माफ कर दीजिए। अरे मैं तुझे क्या माफ करूंगा, अपन तो तुझसे खुद डरने लगा है। क्यों? क्योंकि तू लड़की नहीं है, तू तो नोट छापने की मशीन है। नोट छापने की मशीन? क्या क्या मतलब है तुम्हारा? अब मतलब ही मुझे समझाना पड़ेगा।
जिसे तू इश्क करती है उसे नोट मिलते हैं और जो तुझे बचाता है उसे इतने नोट मिलते हैं कि नोटों से कमरा भर जाता है। आज भी बुलाया था उन्होंने। किन्होंने? तेरे आशिक और उसके दोस्तों ने। बहुत बड़ी कीमत लगाई थी तेरी। तो तुमने तुमने क्या कहा? कहना क्या था, अपुन ने साफ कह दिया, अपुन मवाली हो सकता है लेकिन दलाल नहीं हो सकता। अपुन ने भी उन लोगों को साफ साफ कह दिया, कोई तेरी तरफ आंख उठाकर भी देखेगा ना अपुन ऊपर पछा देगा उसको। सच? मुरारी तुम आ भी गए? उस्ताद वो उस्ताद खाना भी लाऊं या? कोई जरूरत नहीं। जी 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 अच्छा। तुमने मुरारी को क्यों मना किया? भूखे मरने का इरादा है क्या? नहीं, आज मैंने घर में खाना बनाया है। घर में? मगर अपन के घर में तो सामान है नहीं। कुछ पैसे मेरे पास बचे थे सो बाजार से सामान ले आई। अब तू बाहर गई थी? हाँ। मस्ती के बाहर? हाँ। क्यों गई थी तू? अगर तुझे वो उठाकर ले जाते तो सारे शहर में मेरी नाक कट जाती। एक बात ध्यान से सुन ले, अब तू उस आशिक की माशूक नहीं शंकर की इज्जत बन गई है। आइंदा इस घर से बाहर कदम रखा तो टांगे तोड़ दूंगा। शंकर, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मार लो जितना चाहे मार लो, पर खाना खा लो। आज के बाद मैं बस्ती के बाहर कभी नहीं जाऊंगी। तुम मुझसे गुस्सा होना, मुझे जितना चाहे मार लो पर खाना खा लो। जुम्मन चाचा, अरे चमेली, जुबेदा भाभी, अरे कहाँ हो तुम लोग सब? अरे आज मैं बहुत खुश हूं। अरे सब लोग जल्दी आओ, जल्दी जल्दी सब लोग जल्दी आओ। अरे जल्दी आओ, जल्दी आया। आओ जी, आज मेरे घर में खाना बना है। से गलती हो गई, दोबारा ऐसा नहीं होगा।
शंकर अब तू बदमाश नहीं रहा। वो रही घरवाली। अब तू घरवाला बन गया है। ए, घरवाली शर्मा गई। मुझको तो प्यार हो गया, मेरा तू यार हो गया, मुझको तो प्यार हो गया, मेरा तू यार हो गया। मैं हूँ हसीना प्यारे, तू है नगीना प्यारे, मैं हूँ हसीना प्यारे, तू है नगीना प्यारे, तुझ पे ये दिल आ गया। मुझको तो प्यार हो गया, मेरा तू यार हो गया, मुझको तो प्यार हो गया, मेरा तू यार हो गया। तू है हसीना प्यारी, मैं हूँ नगीना प्यारी, तू है हसीना प्यारी, मैं हूँ नगीना प्यारी, तुझ पे ये दिल आ गया। मुझको तो प्यार हो गया, मेरा तू यार हो गया। मुझको तो प्यार हो गया, मेरा तू यार हो गया। मुझको तो प्यार हो गया, मेरा तू यार हो दुनिया में तेरे जैसा न कोई, तेरे जैसा आया है प्यार का मजा। मुझको तो प्यार हो गया, मेरा तू यार हो गया। मुझको तो प्यार हो गया, मेरा तू यार हो गया। Thank you.
लाया है खुशियों का खुशनुमा तोहफा, अरे दिलदार ले आया है। ब्राइट भी लवली लवली, रूम भी लवली लवली, ब्राइट भी लवली लवली, रूम भी लवली लवली, बस्ती में रंग छा गया। इसे देख, गौर से देख। अमृत, अगवा की हुई लड़की इस तरह रहती है किसी के साथ? किसके अगवा होने की बात हो रही है? तेरे और किसकी? मेरे। हाँ, ये इंस्पेक्टर बोलता है तुझे अगवा करके लाया हूँ। क्या शर्म नहीं आती अमृत? एक देवता पे ऐसे इल्जाम लगाते हुए। मुजरिम शंकर नहीं, वो कमीना सूरज है जिसने प्यार का नाटक करके पहले मेरी दौलत हड़प ली और अब मुझे बेचकर करोड़पति बनना चाहता है। आशा जी, क्या आप एक लेटर लिखकर दे सकती हैं कि आप शंकर के साथ अपनी मर्जी से रह रही हैं? अभी लिखकर देती हूँ। शंकर साहब आइए आइए। वेलकम शंकर, वेलकम। हमारे दौलत खाने में कदम रखो, हम आ रहे हैं। वेलकम शंकर, वेलकम। हमारे यहाँ आना तुम्हें कैसा लगा? आपके नौकर बड़े वफादार हैं, अपना आदमी देखकर प्यार से दुम मिलाते हैं। तुमने हमें अपना कहा, हम बहुत खुश हुए। जो हमें अपना कहता है हम उसे किंग बना देते हैं। किंग, सारा शहर जानता है कि वीपी सिन्हा पारस है, पारस जिसके छूने से मिट्टी भी सोना बन जाती है। फिर तुम तो दिलदार हो, हम दिल वालों से दिल मिलाने के लिए जाम मिलाना बहुत जरूरी होता है। लो। नहीं साहब, ये विदेशी दारू पीकर बहुत देख ली पर अपनी देसी का जवाब नहीं। इसका नाम कस्तूरी है, इसके सामने विदेशी भी फीकी पड़ जाती है। वाह वाह, क्या महक है, क्या कहते हैं इसको? कस्तूरी। वाह कस्तूरी, वाह। सच पूछो तो हम भी हिरन हैं जो कस्तूरी के पीछे भाग रहे हैं। पीछे भागने की क्या जरूरत है साहब, आप भी लीजिए। कस्तूरी किसी पानी में मिली शराब का नाम नहीं, कस्तूरी बेशकीमती एक दौलत का नाम है, एक औरत का नाम है। दौलत हमारे पास है और औरत तुम्हारे पास। ये क्या है? कागज का छोटा सा खाली टुकड़ा जिसके नीचे शहर के सबसे बड़े व्यापारी वीपी सिन्हा के सिग्नेचर हैं।
इसमें इतना रुपया भर दो जितना तुमने आज तक देशी शराब बेचकर या छोटे छोटे जुए के अड्डे चला कर ना कमाया हो, या तुम्हारे दिमाग में इतना बड़ा सपना हो कि अगर मेरे पास इतना रुपया आ जाए तो मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो जाए। वो रुपया इस कागज के टुकड़े में भर लो। तो ये मामला सौदेबाजी का है। पूछ सकता हूं, इतना रुपया देकर आप किसकी जान लेना चाहते हैं? अपनी जान, जिसके बगैर ये कमबख्त निकली जा रही है। कौन है वो? आशा। रख लीजिए, आड़े वक्त आपके काम आएगा। शंकर, तुम हद से आगे बढ़ रहे हो, ये मजाक तुम्हें महंगा पड़ेगा। शंकर तेरे जैसे किसी सौदागर की मां की कोख से पैदा नहीं होगा जो सस्ते महंगे का हिसाब रख सके। आशा की कीमत लगाना चाहता है तो ध्यान से सुन, आशा की कीमत है मौत, मेरी या फिर तुम्हारी। जाओ, आशा को उठा लाओ, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। जाओ। चल 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 चल
Thank you.
के सुत पार्वती नंदन, सारे देव करे तुम्हें वंदन, सारे देव करे तुम्हें वंदन। क्या यह खबर सच्ची है? सोला ने सच्ची कालू झूठी खबर सुनने सुनाने का आदि नहीं है, आंखों देखी बात बता रहा हूं। तो खड़े क्यों हो? जाओ, वो शादी नहीं होनी चाहिए। बेवकूफी मत कर, बेमौत मरी जाएगी। चलो। Shut up!
शंकर, कालू आशा को उठा ले गया है। आशा को बचा बचा लो। अब बुला अपने शंकर को, देखता हूं तुझे कैसे बचाता है। मैंने बीपी सिन्हा का कत्ल किया है। योर ऑनर। कमिश्नर साहब, आप? आज मैं पुलिस कमिश्नर नहीं, बल्कि आज मैं एक वकील हूं। यह रहा मेरा वकालतनामा।
मैं मिस्टर शंकर के केस की पैरवी करना चाहता हूं। तो मिस्टर शंकर, कमिश्नर साहब तुम्हारे मुकदमे की पैरवी करना चाहते हैं, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? मुझे कोई एतराज नहीं। यू मे प्रोसीड। थैंक यू योर ऑनर। यह मुकदमा कत्ल का मुकदमा नहीं है, बल्कि इंसान के अंदर छुपे राम रावण का मुकदमा है, जो सभी जानते हैं। राम जब रावण को मारते हैं तो सभी राम की जय जयकार करते हैं, बुराई के खात्मे का जश्न मनाते हैं। लेकिन आज आपकी अदालत में रावण को मारने वाला एक इंसान मुजरिम के कटहरे में खड़ा है, अपनी किस्मत के फैसले का इंतजार कर रहा है। आज इंसान दौलत के लिए इतना गिर चुका है कि वो अपने परिवार, अपने आप को और यहां तक कि अपनी बीवी तक को बेचने के लिए तैयार है। मेहनत और ईमानदारी के रिवाज को एक तरफ करके पैसे की खातिर ये हैवान अपने आदर्श, अपने असूलों और अपनी परंपराओं को बेचना चाहते हैं। हमारे देश में जहां पर औरतों को देवी जैसा माना जाता है, आज उसी देवी को सरेआम बाजार में नीलाम किया जाता है। योर ऑनर, मेरी बात पे गौर किया जाए। जिस इंसान ने सीता जैसी औरत की लाज बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी है, वो राम कोई और नहीं है, बल्कि मुलजिम के कटहरे में खड़ा ये शंकर है। सीता कोई और नहीं, बल्कि वीपी जैसे राक्षस की शिकार ये आशा है। जमाने की नजर में शंकर एक गुंडा वाली बदमाश है, लेकिन वीपी सिन्हा जैसे लोगों को समाज क्या कहेगा? योर ऑनर, क्या मिस्टर शंकर ने किसी की बहु बेटियों को गलत नजर से देखा है? क्या किसी की मजबूरी का गलत फायदा उठाया है? ये वही शंकर है योर ऑनर, जो बहु बेटियों की इज्जत बचाने के लिए लड़ा, बेबस को हक दिलाने के लिए शंकर बदमाश बन गया। योर ऑनर, इस वक्त वो सारे लोग अदालत में मौजूद हैं जो शंकर को राम कहकर पुकारते हैं। इन सब से पूछिए कि आपका राम कौन है। सुन लिया योर ऑनर, वो राम शंकर ही है जिसने उस लड़की की इज्जत बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। आज उसी लड़की को कमिश्नर और जज के बेटे करोड़ों का बेरर चेक समझकर कैश कराना चाहते थे। शंकर ने उसकी इज्जत बचाकर अपनी जान पर खेलकर अपना फर्ज पूरा किया। योर ऑनर, फर्ज पूरा करने वाला इंसान सजा का हकदार नहीं होता। योर ऑनर, शंकर को बाइज्जत बरी किया जाए और अदालत से मेरी दरख्वास्त है कि ब्रिज प्रताप और सूरज जैसे मुजरिम को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दैट्स ऑल मी लॉर्ड एंड थैंक यू वेरी मच। मौका वारदात पर पाए गए सबूत और गवाहों के बयानों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत शंकर को बाइज्जत बरी करती है। ऑर्डर ऑर्डर। और साथ ही साथ अदालत ये हुक्म देती है कि ब्रिज प्रताप और सूरज को समाज में भ्रष्टाचार फैलाने और चमेली का कत्ल करवाने के जुर्म में हिरासत में ले लिए जाएं। दोबारा कौन है?
उसकी आत्मा अपने ऊपर ले ले। जा। रक्त कृष्ण मुखे देवी मा मा पश्यन्तु मानुष इति हूं फट स्वाहा। ओम ह्रीं फट फट स्वाहा। काली काली चुकी है, इसे ले जाओ।